नमस्कार दोस्तों, नारद मुनि ज्ञानी घुमक्कड़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे अढ़ाई दिन के झोपड़े के बारे में जो कि अजमेर में है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर शरीफ दरगाह से कुछ ही दूरी पे है। इसके लिए आपको कोई साधन नहीं करना पड़ता है, आप पैदल ही जा सकते हैं दरगाह से। यह एक ऐतिहासिक स्थल है जिसकी देखरेख भारतीय पुरातत्व विभाग कर रहा है। आज यह एक मस्जिद है और ये देश की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। पहले यह एक संस्कृत विद्यालय और मंदिर था जिसका निर्माण विसलदेव चौहान ने करवाया था। अजमेर पृथ्वीराज चौहान का शासन क्षेत्र था। 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युमक गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और अजमेर पर अधिकार कर लिया। नगर भ्रमण के दौरान मोहम्मद गौरी ने इस संस्कृत विद्यालय को देखा और मंत्रमुग्ध हो गया और अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को आदेश दिया कि 60 घंटों में यहाँ पे मस्जिद का निर्माण किया जाए जहाँ मैं नमाज अदा कर सकूं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहाँ के सभी मूर्तियों को तोड़ दिया। खम्भों में भी जो नक्काशी थी देवी देवताओं की, उन्हें भी खरोचा गया है। अगर आप ढाई दिन का झोपड़ा देखने आएंगे तो आप इसे आसानी से देख के समझ सकते हैं। खम्भों में एक भी ऐसी मूर्ति नहीं है जो पूरी तरह से स्पष्ट हो, वो बिल्कुल पूरी तरह से उन्हें खंडित करने की कोशिश की गई है, आप देख के समझ सकते हैं। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने इस आधे अधूरे बने मस्जिद में ढाई दिन के बाद नमाज अदा की थी। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 से 1199 तक इसका निर्माण करवाया और फिर 1213 में इल्तुतमिश ने इसका सौंदर्यीकरण करवाया था। विसलदेव चौहान ने संस्कृत विद्यालय की स्थापना 1553 ईस्वी में करवाया था, लेकिन जैन मान्यता के अनुसार इस इमारत का सबसे पहले निर्माण विरमदेव काला ने 660 ईस्वी में बनाया था। यह पंच कल्याणक महोत्सव मनाने के लिए एक श्राइन बोर्ड था, लेकिन भारतीय पुरातत्व विभाग के अनुसार यहाँ ढाई दिन का उर्स का मेला लगता है जिसके आधार पर इसका नाम ढाई दिन का झोपड़ा पड़ा है। इमारत की बाहरी दीवार पीले बलुआ पत्थर का बना हुआ है जिसमें आयतें लिखी हुई हैं और अंदर से देखने में ये मंदिर जैसा दिखता है। यहाँ कई लोग आपको पत्थर पे सिक्के चिपकाते हुए भी मिल जाएंगे, तो आप भी एक बार चिपकाने की कोशिश करें। लोग कहते हैं कि जिसका सिक्का चिपक जाता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। ये चीज मैंने पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर में भी देखा था कि ब्रह्मा मंदिर के पीछे लोग जो पत्थर जो बना हुआ है मंदिर का, उस पर लोग सिक्के चिपकाते हैं और मन्नतें मांगते हैं। तो अगर आप अजमेर आते हैं तो ढाई दिन का झोपड़ा जरूर देखें, बहुत ही खूबसूरत इमारत है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो अगले वीडियो तक धन्यवाद।